नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी न्यूज चैनल में। कृषि तथा सरकारी योजनाएं और दैनिक भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं अपनी यह स्पेशल रिपोर्ट। भारत सरकार एक विशेष अभियान के तहत अगले दो महीनों 1 जून 31 जुलाई 2020 के दौरान दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएगी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने इस अभियान को मिशन के रूप में लागू करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर सभी राज्य दुग्ध महासंघ और दुग्ध संघों को पहले ही उपयुक्त परिपत्र और KCC आवेदन प्रारूप जारी कर दिए हैं। डेयरी सहकारिता अभियान के तहत देश के लगभग 1.7 करोड़ किसान 230 दुग्ध संघों के साथ संबद्ध हैं। इस अभियान के पहले चरण में उन सभी किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और विभिन्न दुग्ध संघों से जुड़े हैं और जिनके पास KCC नहीं है। जिन किसानों के पास पहले से ही अपने भू स्वामित्व के आधार पर KCC है, वे अपनी KCC ऋण की सीमा को बढ़ा सकते हैं। हालांकि ब्याज की दरों से संबंधित वित्तीय सहायता केवल 3 लाख रुपए की सीमा तक ही उपलब्ध होगी। वैसे तो संपार्श्विक या कोलेटर के बिना KCC ऋण की सामान्य सीमा 1.6 लाख रुपए है, लेकिन उत्पादकों और प्रसंस्करण इकाइयों के बीच बिना किसी बिचौलियों के गठजोड़ के अंतर्गत जिन किसानों का दूध सीधे तौर पर दुग्ध संघों द्वारा खरीदा जाता है, उनके मामले में ऋण सीमा कोलेटर के बिना 3 लाख रुपए तक हो सकती है। इससे दुग्ध संघों से जुड़े डेयरी किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और साथ ही बैंकों को ऋण चुकता होने का आश्वासन भी मिलेगा। 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को KCC प्रदान करने का विशेष अभियान किसानों के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का अंग है। वित्त मंत्री ने 15 मई 2020 को KCC योजना के तहत 2.5 करोड़ नए किसानों को शामिल करने की घोषणा की थी। यह कदम अर्थव्यवस्था की हाल की मंदी से पीड़ित किसानों के हाथों में 5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी प्रदान करेगा।